ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ हर रोज की तरह। जी हाँ, आपकी किस्मत के सितारों को चाल को बताने वाले शो को लेकर, जी हाँ, आज का गुड लक। आज सोमवार का अवसर है और चतुर्थी तिथि विद्यमान है। हम आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल क्या छुपा है, आपकी राशियों में कौन सा रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में शुभ के आगमन की सूचना दे रहा है, और कहीं कष्ट भी है तो उसका निवारण कैसे होगा। ये सारी बातें आपकी राशि के अनुसार से हम बताएंगे, और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी समस्याएं भेजी हैं उनके निदान भी बताएंगे, और क्या कुछ होने वाला है भविष्य में, उन सबको कैसे आप परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं, यही ज्योतिष का लाभ है। जी हाँ, ज्योतिष बताता है कि दिव्य दृष्टि से क्या कुछ होने वाला है, और उस दिव्य दृष्टि के दिव्य ज्ञान से आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के आरंभ में बात करते हैं पंचांग। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन भी खास है। सोमवार के दिन चतुर्थी आ जाए तो खासतौर पर भगवान शंकर के जो पुत्र हैं उनका दिन हो जाता है, और ऐसे में उनकी आराधना कर लेने से शिव का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। तो देखिए, नक्षत्र भी बहुत शुभ विद्यमान है, पुष्य नक्षत्र विद्यमान है, साथ ही अति शुभ ध्रुव नाम का योग बना हुआ है जो पूरे दिन विद्यमान रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त जान लीजिए, आज सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, रवि योग विद्यमान है, 8:35 तक रहेगा सुबह से लेकर, उसके बीच में भी एक बहुत अच्छा और मुहूर्त भी आएगा, वो रहेगा 11:43 से लेकर 12:14 तक। इस समय का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। बची है केवल राहु काल से। आज भद्रा भी है, उसका भी टाइम नोट कर लीजिए, 10:17 से लेकर 22:35 तक भद्रा है, उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करना है, उससे पहले पहले कर लीजिए। राहु काल जो रहेगा वो सुबह 8:21 से लेकर 9:45 तक। तो इन सबको देखते हुए जो शुभ समय बचे उसका लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास। मेष राशि वालों, ज्योतिष विज्ञान बताता है कि आज मेष राशि वालों को धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है जिसकी वजह से पैसा आना निश्चित है। मन में चल रही इच्छाएं पूरी होने के योग दिखाई देते हैं। कोई नया सौगात प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज काम बिगड़कर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव का आशीर्वाद ले लीजिए, दूध से उनका अभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा। मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं, इन सब उपायों को नोट कर लीजिए। जीवन में समस्याएं हो तो कुशोदक के द्वारा एक पानी के पात्र में कुशा बना के डाल दीजिए, उससे शिव का अभिषेक करें, उसके बाद रोली वस्त्र धूप इत्यादि शिव को समर्पित करने का प्रयास करें। अघोर मंत्र से उनका जप करें। अघोर मंत्र किस प्रकार से, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु द्रूपेभ्या। ये अघोर मंत्र है। जब सारे मंत्र फेल हो जाएं, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है कोई मंत्र, लाभ ही नहीं हो रहा है, तो ये अघोर कल्प का मंत्र है, और कहाँ बताया गया, रुद्री के अंतर्गत आया है, शांति पाठ के अंदर। तो इस मंत्र का जप कर लीजिए, लाभ प्राप्त होगा। वाहन की इच्छा है परंतु वाहन का योग नहीं बन रहा है, तो क्या करना चाहिए उपाय, मैं आपको बता रहा हूँ। दही से भगवान कृष्ण का, शालिग्राम जी का अभिषेक करना चाहिए, लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए, चंदन और खास तौर पे उनको समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, पुष्प इत्यादि उनको समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, दीपक उनका खास तौर पे समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, ये सब सामग्री भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। और उनका मंत्र है ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का जप करने से बहुत जल्दी, यदि योग भी नहीं है आपके जीवन में, वाहन सुख होने का योग नहीं है, वो भी प्राप्त किया। नकारात्मकता नेगेटिविटी, देखिए ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, एंजाइटी बढ़ा देता है। कोई बीमार हो गया या कोई हार हो गई या कुछ प्राप्त करना चाहता है तो नेगेटिविटी बहुत परेशान करती है कि पता नहीं करूं ना करूं। कई बार बिल्कुल किस्मत आपके साथ में कुछ चीज़ दे रही है और मन में ऐसा भाव आ रहा है पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। हिम्मत जगाने के लिए उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। आज शाम को खासतौर पर ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, धागे में 4 मिर्चों को के नीचे खासतौर पर और ऊपर 3 मिर्च, एक धागे में 3 मिर्च, धागे के ऊपर ऊपर 4 और नीचे खासतौर पे 3 मिर्चें ऊपर की ओर बांधकर नींबू में पिरो कर, खासतौर पे नींबू के नीचे और ऊपर इस बात के करके दरवाजे पे लटका दीजिए। तमाम आपके घर में जो नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाएगी, सकारात्मकता का संचार हो जाएगा। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय, आज चतुर्थी है, नोट कर लीजिए। शाम के समय एक लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर, तांबे का पैसा, छोटा पैसा जो होता है वो मिल जाएगा आपको, पर कहीं ना कहीं, कोई चिंता मत कीजिए, नहीं तो किसी मंदिर से पता कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। काले तिल भरकर एक पोटली बना लें, बांध लें, और इस पोटली को जो व्यक्ति परेशान हो, जिसको अवसाद की बीमारी हो, तकलीफ हो, उसके ऊपर से 7 बार बांध दीजिए, और किसी रेलवे लाइन के उस पार,
सड़क के या उस पार, आप रेलवे लाइन नहीं तो सड़क के उस पार ही बह सकते हैं, दूसरी ओर फेंक देना या पीछे मुड़कर देखना नहीं, किसी वीरान जगह पर जाकर इस प्रयोग को करने का प्रयास कीजिए। जब आपने बार लिया है तो चुपचाप बिना बोले अपने निकल जाइए और कहीं भी फेंक आइए, देखिए कष्ट कम होने के योग बनेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लाभ प्राप्त करें, तरक्की नहीं हो रही है, कर रहे हैं काम लगातार निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, क्या करें उसके लिए उपाय नोट कर लीजिए। चीनी मिले जल पे केसर और खासतौर पर जल से केले के पेड़ पर उसको समर्पित करने का प्रयास करें। अबीर पुष्प बेलपत्र खीर इत्यादि गंगा जल लेकर इन सब सामग्री को भगवान विष्णु स्वरूप जो केले का पेड़ है उसमें समर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। श्रद्धा विश्वास रूपणौ कहा गया है भगवान को, तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास को यदि नहीं करेंगे उसका उपयोग करते हुए, जैसा सोचोगे वैसा होगा आपके साथ। नेगेटिविटी सोचोगे पता नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा ना भैया। तो यदि कोशिश करें विश्वास को उत्पन्न करते हुए इन सब चीजों करने का प्रयास कीजिए, देखिए लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि आज के लिए आपका दिन कैसा है? आज आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर दिखाई दे रही है, हो सके तो अपनी गतिविधि जो काम कर रहे हैं उसको दोबारा विचार करने का प्रयास करें। आपके सहयोगी की संख्या बढ़ सकती है आज, खासतौर पर आप सोशल काम करते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा लिप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपकी राशि के अनुसार से मीठे का दान गुड़ का दान कीजिए, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण, मिथुन राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, गति पकड़ सकते हैं, सरकारी कामों में अफसरों का बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आज काम ज़्यादा रफ्तार से करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा थोड़े व्यस्त रहेंगे काम करने का प्रयास करें, लेकिन शाम तक काम अवश्य पूरे होते दिखाई दे। बिलपत्र भगवान शिव को सुबह सुबह समर्पित कीजिए, देखिए लाभ प्राप्त होगा। राशियों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है विदिशा से पारुल जी का, और पारुल जी की ने जो प्रश्न लिख के भेजा है, अक्सर उनके पेट संबंधी समस्याएं उनको लगातार परेशान करती हैं, उपाय जानना चाहती हैं। पारुल जी, हमने आपकी जन्मपत्री देखी, आपकी कन्या लग्न की जन्मपत्री और शनि जो महाराज है वो चतुर्थ भाव में स्थित है, नाभि पर प्रभाव डाल रहे हैं, पेट के क्षेत्र, चतुर्थ भाव जो होता है पेट का होता है, जब भी शनि वहाँ आएंगे कहीं ना कहीं पेट संबंधित कष्ट देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपकी राशि के अनुसार से जठराग्नि मंद हो गई है, एक उपाय करने का प्रयास करें, आप नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य किया कीजिए, और जो हरिद्रा आती है और उसके साथ हरड़ दोनों चीज़ों को मिलाकर एक ताबीज़ में भरकर, और खासतौर पर महामृत्युंजय लघु मृत्युंजय मंत्र सिद्ध करवाकर आप उसको गले में धारण कर लीजिए या बाजू में धारण कर लीजिए, देखिए उससे लाभ प्राप्त होगा, शनि का दोष कम हो जाएगा। और कोशिश करें शलभासन, आप नित्यपति शलभासन उत्तान पादासन ये करने का प्रयास कीजिए, इससे आपके पेट संबंधी रोग ठीक होंगे। और शायद कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज, जालौर से राघवेंद्र जी का मैसेज आया है, राघवेंद्र जी का कारोबार संबंधित प्रश्न है, उनको कहा है कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और कैसा रहेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि आप ज्योतिष का सहारा ऐसे लेने चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो आप जुड़े हुए हैं कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और आपने योजना बना ली है, परंतु ग्रहों को तो देख लीजिए कि क्या कुछ बता रहे हैं, कुछ अच्छा ही बताएंगे, और उसके अनुसार यदि आप बचाव करते हुए काम करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपकी वृक राशि है और वृक राशि में मंगल शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, साथ साथ शुक्र और शनि भी खासतौर पर स्नेह की दृष्टि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कारोबार में आपके लिए नया फैसला जो आप लेना चाहते हैं वो काम तो अवश्य बनेगा, निसंकोच भाव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। शुभ प्राप्त करने के लिए एक उपाय और कर लीजिए, महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र बनवा कर और नित्यपति कार्य स्थल पर श्री सुक्त का 16 मंत्रों का पाठ कर लीजिए, देखिए इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। राशियों के संबंध में बात कर लेते हैं, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से घरेलू सुख सुविधाएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार वाले आपसे प्रसन्न रहेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है, बच्चों की तरफ से आज की अच्छी खबर मिलने के योग दिखाई देते हैं। सुबह सुबह का समय है, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, दूध से शिव का अभिषेक कर लीजिए। सिंह राशि वालों का भाग्य क्या है जान लीजिए, आज प्रेम संबंधों में सुधार आने के योग दिखाई देते हैं, कोई नई खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है, कारोबार में सफलता के योग प्रबल रूप से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई देनदार अपनी जुबान से पलट सकता है, इसलिए पहले से तैयार हो जाइए, ज्योतिष के अनुसार से आपको पता ही चल रहा है, विकल्प लेके चलने का प्रयास कीजिए। हरे वस्त्र आज नहीं पहनने हैं, इस बात को नोट कर लीजिए, आपके लिए हरा रंग आज शुभ नहीं है। जीवन में ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताता है, सपने भी बताते हैं कि क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन है, क्या कुछ होने जा रहा है आप जानते हैं, इसलिए तो लोग बहुत सारे व्हाट्सअप करते हैं कि साहब ये स्वप्न देखा है। रीवा से माधवी जी का प्रश्न आया है स्वप्न विज्ञान के संबंध में,
उन्होंने खास तौर पे आकाश मंडल में कुछ लाइटें जलती देखी। इंद्रधनुष रूप में उन्होंने देखा कि कुछ लाइटें जल रही हैं, इस प्रकार से प्रकाश दे रहा है। इंद्रधनुष जैसी कोई चीज़ यदि देखते हैं तो खास तौर पे उसमें शुभ, ये खास तौर पे अशुभ नहीं है, शुभ है आपके जीवन में। और इंद्रधनुष देखना स्वप्न में खास तौर पे शुभ दिखाई देता है। परंतु नोट कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, यदि आकाश मंडल में दिन में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे तो वो अशुभ है, शुभ शकुन नहीं है, वो अशुभ होता दिखाई दे रहा है। वैसे लोग देख के प्रसन्न हो जाते हैं, इंद्रधनुष दिन में हो तो नहीं देखना चाहिए। मुरैना से सहज जी का प्रश्न आया है। सहज जी ने देखा है कि सिर पर आप खास तौर पे टोपी पहनते हुए देखा है, जो टोपी पहनी थी वो फट सी गई है। ये स्वप्न जो है वो शुभ नहीं है, अशुभ है, मान हानि होने के योग दिखाई देते हैं, सम्मान पर बात आ सकती है। इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास। ग्रहों का योग आयोग आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा योग बना रहा है कि सम्मान पर बात बन सकती है। शनि का उपाय करने का प्रयास करें, शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि का जो मंत्र है ओम प्रांग पिंग प्रोंग से शनिश्चरार में इसका मंत्र का पाठ करें, तेल का दान कीजिए, कष्ट कम होंगे। माम में करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज पार्टनरशिप से फायदा होने के योग दिखाई देते हैं। साझेदारों का विशेष तौर पर लाभ के योग बन रहे हैं। हर कामों जो भी काम करेंगे उसमें सफलता अच्छी दिखाई देती है। पढ़ाई लिखाई के कामों में थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास कीजिए। आज गलती भारी पड़ सकती है, दोबारा शायद वो मौका ना आए, पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास कीजिए। और चंदन का तिलक माथे पे करना माथे पे शीतलता देगा, लाभ प्राप्त होगा। राशि में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सअप मैसेज की। राघव जी का व्हाट्सअप मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि एक बात जानना चाहते हैं कि मंदिर में आरती करते समय वो पूछते हैं कि कपूर और गूगल क्यों जलाई जाती है, उससे क्या लाभ है, क्यों जलाएं? देखिए शास्त्र कहता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि नाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस बात को और कपूर का आरती करते वक्त विशेष तौर पे कपूर चलाने का शास्त्र में विधान है। कर्पूर पूरेण मनोहरेण स्वर्ण पात्रानुसंस्थेन, स्वर्ण पात्र में यदि कपूर के द्वारा आरती की जाती है तो वो नजले संबंधित रोगों को ठीक करता है। मैं बताऊं आपको, शायद बर्लिन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि एक इंच स्क्वायर गूगल जलाने से, आपने पूछा ना गूगल क्यों जलाई जाए, एक इंच स्क्वायर गूगल जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर, ये 1926 की रिसर्च है कि बर्लिन यूनिवर्सिटी ने बताया कि 2600 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी और प्लेग के बैक्टीरिया है, खासतौर पर श्वास संबंधी रोगों की समस्या जो है उनको दूर करने में अद्भुत रास्ता प्राप्त होता है, लाभ होता है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे अनादिकाल से कपूर गूगल इत्यादि का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है। ये सारी की सारी औषधियाँ वातावरण शुद्ध करने का प्रयास करती है। तो लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीज़ों को शुगर कोटेड कर अध्यात्म के साथ जोड़ा। तुला राशि वालों का भाग्य क्या कुछ बता रहा है जान लीजिए। आज व्यर्थ के विवादों में ना पड़े इस बात से सावधान रहें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा, पड़ोसी का नहीं होगा। हो सके तो झगड़ों को टालने का प्रयास करें। वैसे तो झगड़े हमेशा टालने चाहिए, झगड़ों से दूर हो जाइए। परिवार से किसी में किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज घर वाले कुछ परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आप रिजर्व रहते हुए काम करने का प्रयास करें। रसयुक्त जो फल है सुबह सुबह उनका दान कर दीजिए, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि में क्या कुछ बन रहा है योग। कानूनी मामले थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। शांति बनाए रखने का प्रयास करें। पारिवारिक समस्याओं से जो उलझने हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। शिव का दूध से अभिषेक कर लीजिए, थोड़ा सा दूध लेकर भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए, कल्याण होगा। हेल्थ टिप में बात कर लेते हैं आज एक ऐसे व्यंजन की जो अब हमारा राष्ट्रीय व्यंजन हो गया है। जी हाँ, खिचड़ी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, कैसे उसको ठीक करें। आज हम खिचड़ी बताने जा रहे हैं आपको, मूंग की, हरी मूंग की दाल के छिलके वाली खिचड़ी का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बहुत शक्ति संपन्न है, सुपाच्य भोजन है और उसमें सब्जी इत्यादि डालकर यदि आप उपयोग करते हैं तो पौष्टिकता से भरपूर है, स्वादिष्ट है, पोषण पूरी तरह शरीर को देती है और खासतौर पर क्या क्या देती है, इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मूंग की दाल के छिलके में होते हैं। आमतौर पर न्यूट्रिशंस को हम निकाल देते हैं, छिलकों को निकाल के फेंक देते हैं। मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है उसका यदि खिचड़ी में उपयोग करेंगे तो बहुत डाइजेशन को अद्भुत रूप से लाभ देगी और खासतौर पर आपके शरीर में बहुत एनर्जी को संचार कर देगी। ये जो खिचड़ी है, जो मूंग की दाल के छिलके वाली खिचड़ी है, डायबिटीज पेशेंट्स में अद्भुत रूप से लाभ देती है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करती है।
तो इसलिए इस हेल्दी डाइट को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। कई लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी आते ही अपने नाक से कोड़ लेते हैं, अरे क्या खाने की चीज़ है। अरे नहीं, हमारा राष्ट्रीय व्यंजन हो गया है, उसी सोच समझ के ही हमारे को इस व्यंजन को राष्ट्रीय भोज में डाला गया है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने का प्रयास। आगे बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सअप मैसेज की। जोधपुर से अमर सिंह जी का मैसेज आया है और उनका कहना है कि उनके खास तौर पे जंघाओं में टांगों में असहनीय दर्द रहता है, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ता जानना चाहते हैं। बहुत सारे इलाज कर रहे हैं परंतु रास्ता नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स ने बहुत सारे विटामिन इनको रिकमेंड किए हैं। अरे छोड़, शरीर जो आप विटामिन खा रहे हैं खाइए। मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूँ, ये प्राण मुद्रा है। लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगुष्ठ के साथ लगा देने से ये प्राण मुद्रा बन जाती है। आपके शरीर में जब विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस मुद्रा का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, देखिए कुछ दिन में धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। एक तेल नोट कर लीजिए, महानारायण तेल, इसका नित्य प्रति हल्के लेवल से मसाज करने का प्रयास कीजिएगा, इससे ये कष्ट कम होने के योग बन जाएंगे, परेशानी दूर होने का रास्ता प्राप्त। धनुराशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसा है दिन जान लीजिए। आज आपकी बनाई योजना के अनुसार से काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे पहले से दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी योजना के अनुसार से काम करने का प्रयास कीजिएगा, किसी फालतू आदमी की बात में मत आइएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा, आज कोई परेशानी नहीं आ रही है काम में, यदि आप अपनी योजना के अनुसार से काम करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आज स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगा। सुबह सुबह काम करें, मूली का दान कर दीजिए, मूली कहीं से खरीद लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, लाभ प्राप्त। बाकी की राशियों के संबंध में बात कर लेते हैं, उससे पहले अंबाला से एक व्हाट्सअप मैसेज आया है जगजीत जी का, और उन्होंने एक प्रश्न किया है कि उनके खास तौर पर कि उनके गर्दन में दर्द रहता है, उनको कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि आसन का सेगमेंट हम लेके आते हैं। अर्धचक्र आसन आप करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अर्धचक्र आसन से जो साइटिक जो आपकी सर्वाइकल रीजन है उसकी नेचुरल वे में एक्सरसाइज होगी, कमर के दर्द में, गर्दन के दर्द में उसे लाभ प्राप्त होगा। देखिए ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐप बनाई है भारत सरकार की तरफ से, ये उसी के दृश्य है जिसमें वो स्वयं इस आसन को करके दिखा रहे हैं। अर्धचक्र आसन को करने के लिए कैसे करना है आप किसी योग चिकित्सक और इस ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं। इससे आपको सुबह दोपहर शाम यदि सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है तो करने का प्रयास कीजिए। सर्वाइकल की एक्सरसाइज के अंदर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आगे झुकने के कोई आसन नहीं करने चाहिए, ये बैकवर्ड बेंडिंग है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसको धीरे धीरे करने से नेचुरल स्ट्रेचिंग आएगी और जो सर्वाइकल की मसल्स है वो उसमें स्टिमुलेशन होगी और लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के संबंध में बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। गुस्सा करने से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, शांत रहने का प्रयास कीजिए। ग्रहों में खासतौर पर आपकी बुद्धि को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, गिफ्ट भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, आज का दिन शुभ रहेगा, परंतु तेल का उपयोग ना करें, तिल के तेल से बचने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाला, आपकी राशि के अनुसार से कैसा योग है जान लीजिए। आज खासतौर पे गैर कानूनी मामलों में गलत कामों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, कानून के विरुद्ध जाकर काम करना महंगा पड़ सकता है, वैसे तो कभी करना नहीं चाहिए, सावधान है, इनसे बचकर काम करने का प्रयास करें। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई खास दोस्त आपसे दूर जा सकता है, इसलिए खासतौर पर मन परेशान रहेगा, कोई ऐसा कार्य ना करें। महात्माओं का, बड़े संतों का आशीर्वाद देने का प्रयास करें, हो सके तो भगवा वस्त्र का यानी वस्त्रों का दान करने का प्रयास करिए, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि बुद्धि के बल पर बहुत सारे काम पूरे करते दिखाई दे रहे हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, सूझबूझ के साथ काम करने के योग दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है, घर या ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें आज उधार ना दें, यदि आज उधार देंगे तो फंस सकता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। नारियल का आज खासतौर पर दान करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। अब समय आपसे विदा लेने का, बहुत सारी बातें हम आपको हर रोज बताते हैं, कथाएं भी समझाने का प्रयास करते हैं, कथाएं आपके जीवन में नया उजियारा लाती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं, निष्कर्ष देती हैं, कहीं अटक जाते हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करती हैं, तो इन सब रहस्यों को समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, शास्त्र को समझाने वाले जो आचार्य हैं वो कहीं ज्ञान में गलत हो सकते हैं, परंतु शास्त्र बिल्कुल ठीक है, तो कोशिश ये करें शास्त्र पर, धर्म पर विश्वास करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तब तक कल के लिए तो नमस्कार, आपके जीवन में शुभ हो। ओम निशाकाराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्।